जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। तो जी आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या चीजें उठा के वेलकम कर रही है हमारा तो मैं आपको बताऊंगी कि आज है हमारे यहाँ पे संडे और हमारा दिन स्टार्ट हो गया। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया, अब हम शैल को लेके जा रहे हैं पार्क। आज के साथ दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो रहिए मेरे साथ, स्टे कनेक्टेड। अच्छा जी, तो सबसे पहला जो हमारा प्लान है, हम लोग सोच रहे हैं पहले थोड़ी सी गाड़ी वॉश कर लें, उसके बाद शैलजा को पार्क में लेके जाएंगे। तो जी अभी हम लोग गाड़ी वॉश करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो होता है ना, गाड़ी खुद ही वॉश करते हैं, यहाँ पे ये नहीं होता कि जाके खड़े हो जाए और कोई आपकी गाड़ी वॉश कर देगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी वॉश करने के लिए। मैं आके दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या सिस्टम होता है और कितनी देर में आप कितने पैसे डालने तो गाड़ी वॉश कर सकते हैं। हम लोग पाकिस्तान में पेट्रोल डलवाते ना, उस तरह ये मशीन्स बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ से हम अपने पैसे निकलवाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम अपने पैसे निकलवाएंगे, उसके बाद चलेंगे जी गाड़ी वॉश करवाने, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ना जो कैश होता है ना, कॉइन्स वगैरह वो ही चलते हैं यहाँ पे, कॉइन्स चलते हैं या कैश चलता है, तो कार्ड नहीं चलता जहाँ पे गाड़ी वॉश करते हैं। इसलिए सबसे पहले यहाँ से कैश निकलवाएंगे, उसके बाद जाएंगे। कितने पैसे निकलवाए हैं आपने? सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने $10 निकलवाए हैं यहाँ से, और वो भी इतना न्यू नोट है। चलो जी ये हम लोग पहुँच गए हैं। ये सारे सेक्शन बने होते हैं, इनमें से कहीं भी लगा सकते हैं हम, तो हम यहाँ लगाएंगे सेंटर में। यहाँ पे हम लोग पैसे डालेंगे और वो हमें कॉइन देगा, इस तरह का मेरे हस्बैंड का कहना है। यहाँ पे हम लोग पैसे डाल रहे हैं और यहाँ से हमें कॉइन मिल रहे हैं। हाँ पैसे डालेंगे और फिर ये जो भी करना है, ड्राई करना है, क्लीन करना है, उसकी तरफ घुमा दो तो हो जाएगा। अभी सिर्फ हमने वॉश करनी है खाली पानी से, तो फिर यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हवा बहुत ज्यादा तेज है, तो मैं आपको बताती हूँ कि $4 के 4 मिनट, तो बस यहाँ से अब हम पानी मारेंगे, गाड़ी वॉश करेंगे। देखने में तो बहुत कूल लग रहा है, मुझे नहीं मैंने करना है। मेरी अच्छा टाइम कम है, मैंने मारना इधर दे दो मुझे। और ज्यादा मजे का है, मजा आ रहा है गाड़ी वॉश करने का। तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट ही किया और यहाँ पे 3 मिनट हो भी गए हैं, तो $4 हमने इस चीज के दिए थे, $4 के 4 मिनट। तो अभी 2 मिनट रह गए, अब जल्दी जल्दी से पानी करना है और उसके बाद बाहर की जो सिचुएशन मैंने आप लोगों को दिखा दी, अब अंदर की सिचुएशन भी देखो। ये मैडम है जिनका रो रो के बुरा हाल हुआ हुआ है, और ये ऐसी कहती है। ये जी हम लोग पार्क में आ गए हैं और पार्क में आके मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है कि शैजल मैडम के पीछे पीछे। अब ये है जी शैजल मैडम, अब ये जहाँ जहाँ जाएंगे उनके पीछे मैं जाऊँगी। और मेरे जो हस्बैंड है, वो जो गाड़ी को हमने शावर किया है सारा, उसको अब वो ड्राई कर रहे हैं कपड़े के साथ, तो मैं अब शैजल के पीछे हूँ। जब मैं थक जाऊँगी फिर मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, तो बस ये ड्यूटी चलती है हमारी संडे वाले दिन। अब यहाँ शैजल मैडम स्लाइड ले रही है, तो मैं आपको यहाँ का थोड़ा का माहौल दिखा देती हूँ। ये देखें ज़रा, ये इन्होंने मिट्टी वाला एरिया खुद बनाया होता है। देखें वो बच्चे, देखें आप, वो बैठ के खेल रहे हैं यहाँ पे। बच्चों को ना मिट्टी में छोड़ देते हैं और वो खेलते हैं, लेकिन जो ये मेरी शैजिल है, इसको मिट्टी में खेलना बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसकी हाथों पे हल्की सी मिट्टी लग जाए तो ये कहती है कि मामा मेरे हाथ गंदे हो गए। तो ये देखें जी यहाँ का माहौल, और मुझे यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगता, मेरे जो पाँव है ना उनमें सारी मिट्टी चली जाती है। धूप में अपना ये सेटअप लगा रही है, इधर मैं बैठूँगी और आराम से बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो एडिट करूँगी, और जो मैंने कोई काम करना होगा तो वो करूँगी। यहाँ पे मैं इजीली बैठ जाऊँगी और खेल रही है। ये उसकी बाबा है कैन में। अब यहाँ आके बैठ ही गई हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ आज की सिचुएशन शेयर करती हूँ कि मेरे पास एक वीडियो आई और उन बच्चों की बात सुन के मेरा दिल किया कि मैं इनके लिए कुछ करूँ। देखिए मैं इतना ज़्यादा नहीं कमाती हूँ कि मैं सबके लिए मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करूँ, लेकिन जिस काबिल मैं हूँ उस काबिल मैं हूँ उतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो आज की वीडियो आप ये देखें और फिर मुझे बताएं कि मुझे इनके लिए क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर कदीर है और आज डेट है 19 नवम्बर 2023। ये देखें जी, ये लाहौर का मेन शहर है, कोई गाँव नहीं है। ये देखें यहाँ के बच्चे ये इन हालातों में फिर रहे हैं। अगर कपड़े हैं तो जूते नहीं हैं, और इसके पास तो दोनों ही नहीं है। हमारा मकसद आज सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद की जाए और उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। एक आंटी पानी निकाल रही हैं, आए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम,
क्या हाल है आपका? क्या कह रही हैं आप? हम पानी ले रहे हैं। पानी ले रहे हैं? आपके घर में पानी नहीं आता? क्यों? हमारे घर में क्योंकि ना नलका नहीं लगवाया। नलका नहीं लगवाया इसलिए। नहीं तो सर्दियों में आप किस तरह गुजारा करते हैं? इस तरह ही। इसी तरह बाहर आके लेकर जाते हैं? तो ये रेडी पे पानी लेके आई हैं आप? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा, रोज इसी पे ले जाते हैं। अच्छा, तो और मुझे बताएं आपकी क्या मजबूरी है? ये मजबूरी के घर नहीं है तो बाहर से पानी जाना, घर हो तो मैं घर से पानी लगवा के। हाँ जी, जाहिर सी बात है, जब घर में पानी आता हो तो बाहर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहती हैं, आपकी छोटी सी अगर कोई ख्वाहिश पूरी की जाए तो आप कौन सी ख्वाहिश पूरी करवाना चाहेंगी? यही कि जूते कपड़े बच्चे भी हो। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे। कौन से वाले बच्चे के कपड़े भी लेना चाहती हैं आप? जो सबसे छोटा है ना उसके। कितने साल का है वो? वो 2.5 साल। चले ठीक है जी, हम आपकी ख्वाहिश को जरूर पूरा करेंगे और आपको 1-2 दिनों में रिजल्ट भी मिलेगा। और मेरी तरफ देखें, अगर आपको रिजल्ट मिलेगा तो आपने बताना भी है, सच में बताना कि ये आप ही ने हमें ला कर दिए हैं, ये नहीं कि झूठ बोल देना। ठीक, चले ठीक है, आपकी हम इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। चलाएं, अब हम आगे चलते हैं और बाकी लोगों से पूछते हैं उनके क्या मसले मसाइल है। तो गाइस ये देखें, ये छोटे छोटे से घर हैं। ये देखें, ये यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे कपड़े धोते हैं। तो ये तो गंदा पानी नहीं है? साफ है। घरों के अंदर नलका नहीं लगा हुआ? नहीं। तो इधर से कपड़े धोते हैं, और बर्तन कहाँ से धोते हैं? इधर ही। कुछ लोग यहाँ धो लेते होंगे, कुछ लोग वहां धो लेते हैं, जाहिर सी बात है। तो वॉशरूम है आपके घर के अंदर? ये वॉशरूम भी बाहर है? बाहर है वो भी। तो गाइस ये देखिए, ये बड़ी बारीक सी गली है और यहाँ पे अभी रात के टाइम में आप सोचें कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो किस तरह से ये लोग सर्वाइव करते होंगे। और दीवारें देखिए कितनी छोटी हैं कि कोई भी इजीली फलाओं के अंदर आ सकता है। ये देखें, घरों के अंदर जानवर भी हैं और खुद भी रहना बहुत ही मुश्किल है मेरे ख्याल से तो। अच्छा, बड़ा प्यारा और साफ सुथरा घर है आपका तो, माशाल्लाह। अच्छा, ये किचन है आपका? ये किचन है आपका? अच्छा, आप लोग सारे बच्चे बाहर, चलो शाबाश। आपका एक ही बेटा है? एक बेटी माशाल्लाह। अच्छा, बेटी कितनी देर की है? बेटी है 2 साल की। 2 साल की? अच्छा, सही है। इनका कमरा देखते हैं। ये आपका घर है? अच्छा, तो आपके 2 बच्चे हैं। लाइट चली गई है? आपके 2 बच्चे हैं, एक छोटा बच्चा। ये ओए छोटू, आपने जूता नहीं पहना हुआ? आपने इसे जूता क्यों नहीं बनाया? मोटे कपड़े भी नहीं बनाए? मुझे बताएं क्यों? अच्छा, ले मैं इसके मोटे कपड़े लेकर आऊंगी और आपको दूंगी। अच्छा। और आपने सारी हमारी आवाम को बताना है कि ये बाजी आई थी और इन्होंने हमसे वादा किया था और हमें दे के गई थी। ठीक है, और आपने हमारे लिए दुआ भी करनी है। ठीक है, चलें ठीक है जी, इंशाल्लाह मैं कल आऊंगी आपसे जरूर मिलने, कल नहीं तो परसों लाजमी आऊंगी। ठीक है, ठीक है। नहीं, बहुत शुक्रिया। चलाएं बाहर चलते हैं और लोगों से मिलते हैं। आओ, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो बताओ? बर्तन धो रही हो? बेटा पीछे हटो, आपको सर्दी नहीं लग रही? नहीं। आपका जूता किधर है? हाँ, घर पड़ा है। तो आपने इतने बारीक कपड़े क्यों पहने हैं? मोटे कपड़े नहीं पहने? नहीं है? इधर देख के मुझे बताओ ना। नहीं है, नहीं है कपड़े। देखिए गाइस, ये 2023 चल रहा है और आज के दौर में भी ये मेन लाहौर की बात है, ये बच्चे इस तरह से बर्तन धो रहे हैं। ये इनकी मजबूरी है कि ये हमारी गवर्नमेंट ने इतना कुछ किया है कि ये देखें, आज ये टाइम है कि बच्चे इस तरह से धो रहे हैं, इनके घर में नलका नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इनकी खातिर करें, इनका कोई कसूर नहीं। ये आप लोगों को वोट डालते हैं, इनका कसूर सिर्फ इतना है, आप पे यकीन करके आपको आप पे वोट डालते हैं। तो गाइस ये देखें, ये लड़कियां यहाँ पर बैठ के कपड़े धो रही हैं और ये एक आपी है, ये यहाँ पर बैठी, ये पता नहीं बाल्टी धो रही आई थी। अस्सलाम वालेकुम, आप थोड़ा सा पास आ जाएंगी, पीछे हटे बेटा। 2023 चल रहा है, इतना एडवांस दौर चल रहा है, उसके एडवांस दौर होने का क्या फायदा? हम हुकूमत को वोट डालते हैं और वोट डालने के बावजूद भी हमें ये इसी तरह ही बर्तन धोने पड़ेंगे या इसी तरह ही कपड़े धोने पड़ेंगे।
मैं चाहती हूँ कि आप जैसे लोगों को मैं सपोर्ट करूँ, आप जैसे लोगों की मैं मदद करूँ। बच्चों की ख्वाहिश क्या पूरी करवानी चाहती है? आपके बच्चों को कपड़े ले दो सर्दियों के, आप इससे खुश हो जाएंगी। चले ठीक है, मैं आपके बच्चों को कपड़े लेकर दूंगी। आपने मुझे बताना है, हमारी ये आवाम को बताना है कि आप ही ने वाकई में कपड़े लेकर दिए कि आप ही ने झूठ बोला है। ठीक है, आपने साथ साथ बताना है। ठीक है, आज की तारीख देख लें और एक या दो दिनों बाद आपके पास मैं आऊंगी। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। कुछ बच्चे हैं उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं उनकी हेल्प करूंगी, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना भी मसला बता सकते हैं, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना सब कुछ लिख के। इतनी तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं सबके काम आ सकूं, लेकिन जितने मुझसे हो सका मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। अभी मैंने वीडियो देखी और फिर मैं अपने हस्बैंड को भी दिखाई है, तो मैं अपने हस्बैंड से पूछना चाहूंगी कि वो कितना डोनेट करेंगे, तो उनसे पूछते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप कितना डोनेट करेंगे? मैंने जो आपको वीडियो दिखाई है, आप उनकी हेल्प करने के लिए कितना डोनेट करेंगे? मैं जितना आप करोगे उतना कर दूंगा। चलिए ठीक है, जितना मैं करूंगी। लाइक तो अपने घर से स्टार्ट करते हैं, अच्छी चीज़ की शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए, तो मैं फिलहाल अपने घर से कर रही हूँ क्योंकि मुझे YouTube से कोई इतनी खास इनकम नहीं आती जिसके मैं इतने सारे लोगों की हेल्प कर सकूँ। मैं एक आधे बंदे की हेल्प कर सकती थी, तो अब जब इतने सारे लोगों को देखते हैं ना, तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। हमेशा जब भी आप लोग टेंशन में हो ना, तो अपने से नीचे देखा करें। तो बस इन्हीं लोगों के लिए मैंने ये काम स्टार्ट किया है।